हाय गाइस, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे क्लास 5 का एसएसटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, चैप्टर नंबर 14 है ये। ठीक है, तो चलो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, मतलब पहले क्या था, देखो ये मान लो ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये सारा समुद्र समुद्र पानी पानी, नीचे की तरफ तो पानी है ना सारा का सारा। अब सी रूट से बाहर से कोई हमारे देश में एंटर हो रहा है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, ये एक रास्ता है, जगह है वाया, मतलब उस रास्ते से द केप ऑफ गुड होप, ये एक जगह है, ठीक है। इसका भी नाम किसी बंदे ने रखा था केप ऑफ गुड होप, बाय पोर्चुगीज एक्सप्लोरर। पुर्तगाली एक्सप्लोरर मतलब कौन होता है, जो खोज में निकलते हैं नई जगहों की, ठीक है। और वो खोजकर्ता कौन थे, वास्को डी गामा। ये कब आए थे, इन 1498 इन्होंने ओपन कर दिया था न्यू डोर्स फॉर मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी एंड ट्रेडर्स जो होते थे इंडिया में एंड यूरोप। हुआ क्या, यूरोप मतलब इंडिया में क्या होता था, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मसाले वगैरह, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, ठीक है। मसाले हो गए, कपड़ा मतलब कपड़े के लिए कॉटन वगैरह जो चाहिए, या बहुत सारी और भी चीज़ें थी, ठीक है। अब मान लो कि बाहर से पता चला इन लोगों को, पुर्तगालियों को, कि भाई यहाँ पर जो है, या यूरोप वासियों को, कि यहाँ पर जो है इंडिया में बहुत अच्छा कुछ ऐसा है कि अगर हम अपने देश में ले आएँ यहाँ से तो हमारा बहुत महंगा बिकने वाला है। तो इस तरीके से व्यापार करने के पर्पज से समझ लो ये डोर खुले, तो पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था इसको भेजा गया, ठीक है। कब भेजा गया, 1498 में, कि भाई पता करो कि कहाँ पर है ये जगह। अब ये आया और इसकी वजह से, इसने जो रास्ता ढूंढा, इसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में ये व्यापार जो है वो शुरू हुए। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज लाइक द नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये फ्लरिश होने लगी, बहुत फलने फूलने लगी। एंड ईच कंट्री इस्टेब्लिश करती है देयर ट्रेडिंग कंपनी को इन इंडिया, अपनी ट्रेडिंग कंपनी को भारत में। अब इन 1600 CE द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश करी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अब इस्टेब्लिश कब करी थी, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आता है, ठीक है। एज ट्रेड फ्लरिश, जिस तरीके से व्यापार जो है फला फूला, जो राइवलरी होते हैं ना, ब्रोक आउट बिटवीन दीज ट्रेडिंग कंपनीज एज ईच वॉज लुकिंग टू गेन मोर प्रॉफिट एंड कंट्रोल द ट्रेड। क्या हो रहा है, मान लो अब देखो, ऐसे समझो कि बहुत सारे देश आ गए, अब ये तो इतने सारे देश हमारे व्यापार करने के लिए हमारे देश में आ गए, तो ये लोग आपस में लड़ेंगे ना कि भाई हमको माल चाहिए कच्चा, हमको माल चाहिए, माल तो उतना ही बन रहा है इंडिया में, तो हमको माल चाहिए, हमको माल चाहिए, हमको माल चाहिए। और क्या हो रहा है, जो बेच रहा होगा वो तो फिर महंगा हो जाएगा उस इन लोगों के लिए, क्योंकि वो अगर आए, उसके पास तो चॉइस आ गई, इसको बेचूँ या उसको बेचूँ, तो ये लोग जो राइवलरीज हैं ये आपस में ही लड़ने लग गए, ठीक है। अब क्या हुआ, द ब्रिटिश इमर्ज जो थे, ब्रिटिश जो थे उन वो बने विक्टोरियस, यानी कि ब्रिटिश जीत गए एंड वेंट टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द ट्रेड इन इंडिया। और फिर ऑब्वियसली जब ये जीत गए तो इन्होंने जो है वो इंडिया में अपना व्यापार का बिल्कुल एकदम साम्राज्य स्थापित कर लिया था, ये व्यापार ही बन के हमारे देश में आए थे और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया एंड फाइनली इस्टेब्लिश्ड अ कॉलोनियल एम्पायर, अपना पूरा कॉलोनियल एम्पायर जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एकदम पूरा फैला दिया। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ये प्लासी का एक युद्ध है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्लासेस में आप काफ़ी पढ़ेंगे इसे, एंड बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था, दो ये युद्ध के बारे में पढ़ेंगे आप। द ब्रिटिश फर्स्ट अराइव्ड सूरत, सबसे पहले ब्रिटिश जो आए और वो कहाँ पहुँचे, सूरत गुजरात में पहुँचे, एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग क्लोथ एंड स्पाइसेस, उन्होंने कपड़ों का और मसालों का जो है वो ट्रेड करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स इन मुंबई, धीरे धीरे उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स मुंबई में बनाए, जिन्हें हम नाउ बॉम्बे में बनाए, जिन्हें हम आज मुंबई बोलते हैं, एंड मद्रास, ठीक है, जिसे हम आज चेन्नई बोलते हैं, एंड गॉट परमिशन फ्रॉम द मुगल रूलर्स, क्योंकि उस समय हमारे देश में कौन शासन कर रहा था, जब ये आए थे मुगल शासन कर रहे थे, तो इन्होंने परमिशन ले ली टू कंडक्ट ट्रेड, व्यापार करने की इन बंगाल, टू के बंगाल में भी हम व्यापार करेंगे, उसकी भी परमिशन उन्होंने मुगल रूलर से ले ली थी। सिंस नो परमिशन वॉज टेकन फ्रॉम सिराजुद्दौला देन द नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन इन्होंने सिराजुद्दौला से परमिशन नहीं ली थी जो समय बंगाल के नवाब थे, इस वजह से क्या हुआ, द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस, नवाब से परमिशन नहीं लोगे, उसकी जगह पर आकर व्यापार करोगे तो ऑब्वियसली बात है नवाब तो नाराज ही होगा, तो युद्ध हुआ। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में रहा था, ठीक है, याद रख लेना इस बात को। कब हुआ था, 1757 में हुआ था, बिटवीन द नवाब्स आर्मी एंड द ब्रिटिश, इनके बीच में हुआ था, नवाब की आर्मी और ब्रिटिश के बीच में। द ब्रिटिश वर एबल टू कंसोलिडेट देमसेल्फ इन बंगाल बाय रिमूविंग सिराजुद्दौला एंड मेकिंग मीर जाफर अ पपेट ऑफ द ब्रिटिश, द नवाब।
अब इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया अपनी पावर को और काफ़ी मजबूत कर लिया अपने आप को बंगाल में। उन्होंने रिमूव कर दिया था सिराजुद्दौला को, उसकी गद्दी से हटा दिया गया। एक तरीके से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया और इन्होंने अपना ही एक बंदा मतलब मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया ब्रिटिश ने। मीर जाफर था तो भाई मुगलों का ही कोई बंदा, लेकिन ये जो था ब्रिटिश के साथ मिल गया था और एक पपिट की तरह, पपिट क्या होता है, जो आपके हिसाब से ही काम करेगा, है ना, जैसा आप बोलोगे वैसा ही काम करेगा। तो मिर्जा जो था वैसा ही काम करने लगा मीर जाफर, जो ब्रिटिश बोलते थे इसको करने के लिए। अब डिसकंटेंट विद द मिसयूज ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश, अब डिसकंटेंट क्या हो गया, असंतोष फैल गया जब मिसयूज करने लगे पावर को, किसकी पावर को, जब ये जो मीर जाफर है जब ये गद्दी पर बैठा तो ब्रिटिश उसे बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने लगे। तो क्या हुआ, डिसकंटेंट आ गया, मतलब कि एक तरीके से असंतोष आया, विद द मिसयूज ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश द कम्बाइंड आर्मीज ऑफ नवाब्स ऑफ बंगाल एंड अवध एंड द मुगल एम्परर फेस द ब्रिटिश फोर्सेज इन 1764। अब इन सब ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ा 1764 में एट द बैटल ऑफ बक्सर। कम्बाइंड आर्मी है मतलब मिल की युद्ध लड़ा, अब बंगाल के नवाब ने, अवध के नवाब ने और मुगल एम्परर्स जो भी थे इन सब ने ब्रिटिश के साथ युद्ध लड़ा था 1764 में, ये कहला था बैटल ऑफ बक्सर। द ब्रिटिश वन एंड गेन्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल। अब इस युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे वो जीत गए, है ना, यहाँ पे भी ब्रिटिश जीत गए और उन्होंने गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया राइट कलेक्ट करने का रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जिससे टैक्स होता है बंगाल के लोगों से। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस तरीके से जो है भारत में ब्रिटिश रूल की एक तरीके से फाउंडेशन, एक नींव रखी गई, मतलब स्टार्टिंग हुई। डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, लोग जो थे वो बिल्कुल असंतोष थे, है ना, ब्रिटिश रूल से डिसकंटेंट मतलब असंतोष होने एक तरीके से उनके अंदर ना। अब क्या होता है, एज सून एज द ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड कंट्रोल ओवर इंडिया, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने गेन किया कंट्रोल इंडिया के ऊपर, दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीपल, इन्होंने लोगों को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉयट करना मतलब टू ट्रीट पर्सन और अ प्लेस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेन समथिंग, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि हम इनसे कुछ गेन कर सकें उनको। जैसे एक्सप्लॉयटेशन, मान लो एक बच्चा है उसको आप झाड़ू पोछा बर्तन कटका सारा कुछ करा रहे हो, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, हम उससे काम करवा रहे हैं एक तरीके से। अपने फ़ायदे के बारे में सोचना, कोई अपॉर्चुनिटी समझ लेना इस चीज़ को भी, ठीक है। तो इस तरह से लोगों का भी शोषण होने लगा। दे फोर्स फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स। अब क्या हुआ, ब्रिटिश को इंडिगो उगवाना था या कॉटन उगवाना था, तो इंडिगो एंड कॉटन इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स। अब हमारे किसान तो फूड क्रॉप्स उगाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश क्या चाहते थे कि इंडिगो, एक नीले रंग की, तुम समझ लो नीला रंग हो गया एक तरीके से, कैसे फ्लावर्स वगैरह या पेड़ हो गया जिससे कि नीला रंग बनता था, क्योंकि ब्रिटिश में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो ये कहते थे, ब्रिटिश कहते थे कि भाई तुम अपना इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ, क्योंकि इनके देश में उसकी बहुत डिमांड थी, और फूड क्रॉप्स मत उगाओ, आप फूड क्रॉप्स नहीं उगेगी तो भारतीय क्या खाएंगे, है ना। तो ये बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, दे बॉट दीज क्रॉप्स एट रियली लो प्राइजेस, ये खरीदते थे बहुत ही कम दामों पर भारत से, एंड सेंड देम टू बी यूज एज अ रॉ मटेरियल इन ब्रिटेन, ब्रिटिश फैक्ट्रीज में इनको बेच दिया करते थे। मतलब हमसे बहुत सस्ते माल में खरीदते थे, तो हमसे ज़बरदस्ती उगाया जाता था, फिर हमसे बहुत सस्ते में खरीदते थे और बहुत महंगे दामों में इनको अपनी ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बेच देते थे। तो इंडियंस वर नॉट परमिटेड टू ओपन मिल्स, उस समय भारतीयों को ना अपनी मिल खोलने का भी कोई और अपनी फैक्ट्रीज खोलने का भी परमिशन नहीं था, एंड वो फोर्स टू बाय द ब्रिटिश मेड गुड्स। और अब अपनी मिल, अपनी फैक्ट्रीज नहीं होंगी तो कहाँ से खरीदना पड़ेगा, फिर जो ब्रिटिश की फैक्ट्रीज थी वहीं से खरीदने के लिए हम बाध्य थे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्टमैन वर अनेबल टू सेल देयर हैंडीक्राफ्ट, तो जो व्यूअर्स थे, क्राफ्टमैन थे, वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स को बेच ही नहीं पाते थे। दे ब्रिटिश मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, इस तरीके से ब्रिटिश को हो रहा था बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, वाइल इंडियन फार्मर्स मेड लिटिल और नो प्रॉफिट। इंडियन फार्मर्स को या तो थोड़ा सा प्रॉफिट होता था या तो बिल्कुल ही प्रॉफिट ही नहीं होता था एट ऑल। एज द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर इंडिया, जैसे कि ब्रिटिश ने गेन किया कंट्रोल इंडिया पे, दे बिगिन टू फिक्स द पीपल हैवीली एंड इनएक्टेड लॉज, लोगों के ऊपर ये जो है बहुत ज़्यादा कानून थोपने लगे, टू वेल्ड ग्रेटर कंट्रोल, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रोल लाने के लिए, ठीक है ना। वेल्ड का मतलब होता है टू हैव एंड यूज़ पावर एंड अथॉरिटीज़, ठीक है। आप आ जाओ यहाँ पर आगे, दस इस वजह से डिसकंटेंट यानी कि असंतोष, लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, बिगिन टू ग्रो, ये असंतोष बिगिन हो गया, मतलब लोगों के अंदर असंतोष आ गया, है ना, लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे अमंग द पीपल इंडिया, मतलब भारत के लोग, ठीक है। अब हुआ एक रिवॉल्ट, एक मतलब एक तरीके से बड़ा सा युद्ध हो गया था
1857 में। एज अ रिजल्ट अब जब लोग बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थे अंग्रेज़ों की इस तरह की हरकतों से, इसका रिजल्ट ये हुआ दे आर ग्रोइंग डिसकंटेंट, आप उनके अंदर असंतोष बढ़ा। द पीपल ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया टू रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, ये हम ब्रिटिश के खिलाफ जो है एक युद्ध छिड़ देंगे। देखो रिवॉल्ट हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं दिस रिबेलियन इज कॉल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1857। कब हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाई इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स ने इसको शुरू किया था, ऑल्सो नोन एज सिपॉयज, उस वक्त सिपाहियों को सिपॉयज बोलते थे, सर्विंग इन ब्रिटिश, हमारे भारतीय जो सिपाही थे वो ब्रिटिश आर्मी में उस समय काम करते थे। ठीक है, अब आर्मी ये कहाँ पर उन सिपाहियों ने छेड़ा था जो कि मेरठ में थे, है ना। द इंडियन लीडर्स हु टुक पार्ट इन द रिवॉल्ट वर रानी लक्ष्मीबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि झांसी की थी, नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने जो कि कानपुर के थे, बेगम हजरत महल जो अवध की थी, और मौलवी अहमदुल्ला रॉय ने, इन लोगों ने जो है, और कौन था, तुलाराम एंड कुंवर सिंह, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही द ब्रिटिश सक्सीडेड, ब्रिटिश जीत गए एंड क्रशिंग द रिवॉल्ट, और ये रिवॉल्ट जो है उन्होंने बिल्कुल क्रश कर दिया, मतलब एकदम लोगों को दबा दिया गया है ना। वो उन्होंने कोशिश तो बहुत करी इनके खिलाफ सब कुछ करने की, इन्हें भगाने की, बट ये नहीं गए और ये रिवॉल्ट जो है दबा दिया गया। द रिवॉल्ट ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस, इस रिवॉल्ट से बहुत सारे चेंजेस आए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन पर बिल्कुल ऑफ द कंट्री एंड ब्रिंगिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू एन एंड, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है रूल का एंड हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी गई अभी, है ना, अंग्रेज नहीं गए हमारे देश से, अब क्वीन विक्टोरिया डायरेक्ट शासन करेंगी। क्वीन विक्टोरिया बिगेन द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इन्हें भारत की एम्प्रेस घोषित कर दिया गया एंड शी अपॉइंटेड, इन्होंने अपॉइंट किया एक वायसराय, वायसराय एक पोस्ट होती है, ठीक है, टू रूल ओवर इंडिया ऑन हर बिहाफ। तो क्वीन विक्टोरिया खुद नहीं आई, उन्होंने एक वायसराय को भेजा, ठीक है, और उनके बिहाफ पर ये रूल करने लगे। अब आ जाइए स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड सोशल रिफॉर्म्स, अब इस तरह से नए नए आइडियाज़ जो हैं वो स्प्रेड हुए सोशल रिफॉर्म के, सोशल रिफॉर्म मतलब समाज में अच्छी चीज़ें लाना, जैसे कि पहले क्या होता था, छोटे बच्चों की शादी कर देते थे और विधवा विवाह बिल्कुल गलत माना जाता था, लेकिन ये सोशल रिफॉर्म्स हुए, है ना, सुधार हुए समाज में। द एजुकेटेड इंडियन वर्क करते थे टूवर्ड सोशल रिफॉर्म्स की प्रति, ठीक है, रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राममोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, इन सब ने रेस की अपनी आवाज़ अगेंस्ट द वेरियस सोशल जो थे ईवल्स, बहुत ख़राब ख़राब चीज़ें हमारे समाज में उस वक्त हो रही थी, जैसे कि बच्चों की शादी कर देना, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड सती, मतलब लोगों को क्या किया जाता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब जैसे जन्म के समय ही फीमेल बच्चे को मार दिया जाता था, ठीक है, और सती प्रथा क्या होती है कि जैसे किसी लेडी का पति मर जाता था तो उस लेडी को भी जिंदा जला देते थे पति के साथ। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को बिल्कुल गलत लगी एंड दे ऑल्सो एनकरेज एजुकेशन फॉर वुमेन, इन लोगों ने पहले तो इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और वुमेन एजुकेशन के प्रति भी अपना नज़रिया रखा, है ना, कि भाई वुमेन को भी एजुकेटेड होना चाहिए, पहले की वुमेन इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी, एंड वर इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, और अगर कोई लेडी वो कहते थे विडो हो गई है तो उसकी रीमैरिज भी हो जानी चाहिए, दोबारा से उसको शादी करने का अधिकार होना चाहिए। आप द नेशनल कांग्रेस के ऊपर बात करते हैं, द पीपल अंडरस्टूड दैट ब्रिटिश वर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द नेशन, अब लोग ये जो थे बात समझ के, जो ब्रिटिश हैं ये इंडिया को डेवलप करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एक्यूमुलेटिंग रिचेज इन themselves, बट वो क्या चाह रहे हैं कि बस वो अपने आप को रिच करना चाह रहे हैं फॉर themselves। अब क्या होता है, इन 1885 ए ओ ह्यूम फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब कब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1885 में बनी थी, ठीक है, 1885 में ए ओ ह्यूम ने फाउंड की थी, मतलब एक नींव डाली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, INC की, इट एम्ड, इसका मतलब मकसद क्या था, एट इन्वॉल्विंग द एजुकेटेड इंडियंस इन कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको शामिल किया जाए, दादा भाई नौरोजी हो गए, बद्रुद्दीन तैयब जी हो गए, या फिरोज शाह मेहता हो गए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये कुछ प्रोमिनेंट मेम्बर्स थे INC के, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय, ठीक है। तो बस यही था छोटा सा हमारा चैप्टर, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल याद ही करने होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लव यू ऑल एंड बाय।